वहीं आयकर विभाग की छापेमारी पर कमलनाथ के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ ने सफाई दी कि उन्होंने कहा कि हवाला और पॉलिटिकल फंड से उनका कोई लेना देना नहीं है। लगभग 48 घंटे मेरे घर पर रहे हैं जी। दिल्ली से इनकम टैक्स की टीम आई थी जी, और रात को 3:30 बजे के आसपास इन लोगों ने मेरे घर के दरवाजों को तोड़कर अंदर घुसे हैं जी, जिन्हें मैं आपको दिखा भी सकता हूं जी। इनके 2 दिन की पूरी बारीक छानबीन के बाद भी इनको कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसको ये जब्त कर पाए, ना ही किसी प्रकार की कैश या ज्वेलरी इन्होंने मेरे यहाँ से बरामद की। मेरे दोनों लॉकर की भी इन्होंने सर्च करी, सब कुछ करा, पर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ इनको मेरे यहाँ नहीं मिली। तो इनके आने का तरीका गलत था, इन्होंने दरवाजे तोड़े रात को 3:30 बजे और अंदर घुसे, ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्रवाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई। खबर है कि आयकर विभाग की टीम ने रात भर पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और उनके परिवार से पूछताछ की, जिसके बाद ये कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान इंदौर में गहमा गहमी दिखी और आयकर विभाग के अधिकारी प्रवीण कक्कड़ के बेटे सलील कक्कड़ को साथ लेकर उनके ठिकाने पर भी पहुंचे। भोपाल में भी प्रवीण कक्कड़ के करीबी अश्विनी शर्मा के ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले गए।